Welcome everyone. Today I will be taking sexual reproduction in bacteria. Sexual reproduction in bacteria is not a typical sexual reproduction. जैसे क्या होता है transfer of DNA from parent to offspring. ठीक है, इस तरह के इस method को कहते हैं parental gene transfer. ठीक है, लेकिन bacteria के अंदर टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. देर विल बी नो गैमेट फॉर्मेशन, नो मियोसिस, ओनली द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल. ठीक है, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है. एंड दिस मेथड इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. नाउ फर्स्ट द हाउ द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर, देर आर थ्री मेथड्स. One is conjugation, transformation, and transduction. There are three methods by which the genetic material is transferred. One is conjugation, second transformation, and third is transduction. Clear? Now, today I will be taking conjugation. Conjugation first, it was discovered by Lydberg and Tatum in E. coli. First, it was discovered by Lydberg and Tatum in E. coli. Bacteria conjugation again. This conjugation means the bacteria is what? It is dimorphic. Means it contains two types of cells. One is F plus, another one is F minus. F plus means bacteria which contains fertility factor, that is plasmid. जिसके अंदर plasmid या fertility factor present होता है उसको कहते हैं F plus. And F minus means जिसके अंदर fertility factor और plasmid absent रहता है उसको F minus कहते हैं. So F plus क्या हुआ? Donor. और F minus क्या हुआ? Recipient cell. ठीक है, सो बैक्टीरिया इज डायमॉर्फिक. डायमॉर्फिक मींस कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एफ प्लस और एफ माइनस. एफ प्लस क्या होता है? एफ प्लस होता है जिसके अंदर प्लाज्मिड फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फैक्टर. ये प्लाज्मिड फैक्टर क्या बनाता है? सेक्स पिली बनाता है. और ये सेक्स पिली क्या बनाता है रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है? बाय मेकिंग एन कंजुगेटिंग और कंजुगेशन ट्यूब. एक कंजुगेशन ट्यूब बनाएगा जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा. नाउ देर आर टू मेथड्स बाय विच द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड थ्रू कंजुगेशन और कंजुगेटिंग ट्यूब. फर्स्ट इज सेक्स डक्शन. सेक्स डक्शन इट इज नोन एज स्टराइल मेल मेथड. स्टराइल मेल मेथड. नाउ इसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, दिस इज एफ प्लस. एफ प्लस मींस फर्टिलिटी फैक्टर इज प्रेजेंट. दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम. दिस इज एफ माइनस. एफ माइनस मींस रेसिपिएंट. दिस इज व्हाट? दिस इज डोनर. So one is donor, another one is recipient. Now here, this is a plasmid. Now when these two type of bacterial cells, they come close to each other, then this pili, it dissolves and what it forms? It forms a conjugation tube. This is conjugating tube, conjugation tube. Now this is bacterial chromosome, these are pili. Now what happens, this plasmid, when the F plus bacterial cell comes closer to F minus bacterial cell, this pili, it forms a tube. It dissolves the wall and it forms a tube. Tube, what is that tube? That is conjugating tube. Now this plasmid, it replicates.
and it then enters into the recipient bacterium. ठीक है, क्या होगा, ये दो bacterial cell एक दूसरे के close आएंगे. ये जो पिली है, सेक्स पिली, ये क्या करेगा, क्या बनाएगा, कंजुगेटिंग ट्यूब बनाएगा. जब कंजुगेटिंग ट्यूब बनाया तो प्लाज्मिट जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट करेगा और ये कहां चला जाएगा, रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाएगा. ठीक है, नाउ एज दिस प्लाज्मिट इट कंटेन्स द फर्टिलिटी फैक्टर टू प्रोड्यूस सेक्स पिली, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर दोनों ही एफ प्लस हो जाएगा. क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या जा चुका है, प्लाज्मिट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस वॉट, टू प्रोड्यूस सेक्स पिली. सो बोथ विल बी एफ प्लस. दिस इज प्लाज्मिट. So, in sex duction, when the both the bacterial cell, they come close together, then this pili, it dissolves and it forms a conjugating tube. And plasmid, it self-replicates and this plasmid then it enters into the recipient cell. And now this recipient cell, it contains what? Plasmid, that is fertility factor which produces sex pili. So, क्या बन जाएगा, ये भी F प्लस बन जाएगा. दिस इज अबाउट सेक्स डक्शन. नेक्स्ट इज एपिजोम फॉर्मेशन. एपिजोम फॉर्मेशन के अंदर दिस इज अ बैक्टीरिया. Now, what will happen in this bacteria? The plasmid is attached to the bacterial chromosome. This is a plasmid. It is attached to the bacterial chromosome. Now, when the plasmid is attached to the bacterial chromosome, it is known as episome. Why? This is known as episome. Now, when the plasmid is attached to the bacterial chromosome, then it is known as episome. This is what? Bacterial chromosome. You can see here the bacterial chromosome, this episome is attached to the bacterial chromosome. Because why? Because certain nucleotide sequence present in this bacterial chromosome is similar to the sequence present in the plasmid. Clear? Now, means the nucleotide sequence present in the bacterial chromosome is similar to the sequence present in the plasmid. और इसीलिए दोनों attach हो जाएंगे. And this kind of recombination, it is known as homologous recombination. इस तरह के recombination को क्या कहेंगे? Homologous recombination. And when the plasmid is attached to the bacterial chromosome, it is known as episome. And this kind of bacterial cell is known as HFR. What is HFR? HFR is the high frequency of recombination. HFR kya hota hai? High frequency of recombination. Means it has a high frequency to transfer the genetic material to the recipient cell. ठीक है, इसके अंदर बहुत तेजी से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है. किसके अंदर? रेसिपिएंट के अंदर. इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन 1000 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द एफ प्लस सेल. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अटैच हुआ तो इस पार्ट को कहते हैं एपिजोम. क्यों अटैच हुआ? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर है ये थोड़ा बहुत कंपैटिबल है किसके साथ, जो सीक्वेंस प्लाज्मिड के अंदर है. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नोन एज HFR. HFR मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत तेजी से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है एज कंपेयर टू F+.
Clear? Now, this kind of recombination is known as homologous recombination. Now, when this one, then it forms a what? It forms a, again, conjugating tube. Ye fir conjugating tube banayega. Now, this episome, it is long. It is longer than the plasmid. Aap dekh sakte hain yahan pe. Kyunki iske saath kya jud gaya hai? Bacterial chromosome ke saath kya jud gaya hai? Plasmid jud gaya. To ye kya ban gaya? Lamba. And it integrates with the bacterial chromosome. Ye bacterial chromosome ke saath jud jayega. And then, this episome is then self-replicates. Episome kya karega? Self-replicate karega. And it breaks the bacterial chromosome so that some of the bacterial chromosome will enter into the recipient bacterial chromosome. Theek hai? This is HFR. This is again recipient. This is recipient. So, क्या हुआ? प्लाज्मिड इसके साथ ज्वाइन कर गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, और उसके बाद जैसे इसके साथ ज्वाइन किया प्लाज्मिड एपिजोम, ये सेल्फ रेप्लिकेशन हुआ, और कुछ एपिजोम कुछ जेनेटिक मटेरियल इज देन ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट सेल. थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल. नाउ इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर द होल जेनेटिक मटेरियल. क्यों? क्योंकि एपिजोम जो है वो बड़ा है. ठीक है. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द कंजुगेटिंग ट्यूब. कंजुगेटिंग ट्यूब बहुत देर तक अटैच नहीं रहता, बहुत देर तक बना नहीं रहता है, थोड़े देर के लिए बना रहता है. तो थोड़े देर के लिए इतना सारा जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफर करना मुश्किल हो जाता है ना. तो क्या होगा? थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल विल बी ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट सेल. पूरा का पूरा नहीं होगा. जब पूरा का पूरा नहीं होगा, सो फर्टिलिटी फैक्टर विल नॉट एंटर इनटू द रेसिपिएंट सेल. सो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ एफ प्लस डोनर सेल. क्यों? उसके अंदर सेक्स पिली होगा ही नहीं. फिर इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सेक्स पिली होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्टिलिटी फैक्टर इसके अंदर पूरा गया ही नहीं है. ठीक है. सो क्या हो जाएगा? सो सपोज कंजुगेटिंग ट्यूब इज डिसॉल्व फ्रॉम हियर. अगर डिसॉल्व हो जाता है तो क्या होगा? ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा ना. जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होगा. कितना होगा? थोड़ा हो चुका है. थोड़ा होने के बाद सपोज कंजुगेटिंग ट्यूब डिस्टर्ब्ड हो जाता है या डिसॉल्व हो जाता है, फिर कहां से ट्रांसफर होगा? नहीं होगा. तो थोड़ा जो मटेरियल ट्रांसफर हुआ, जेनेटिक मटेरियल, उसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होगा पूरा. फर्टिलिटी फैक्टर जब नहीं होगा तो सेक्स पिली का डेवलपमेंट नहीं होगा. इसका मतलब ये जो जीन ट्रांसफर हुआ, न्यू जीन जो ट्रांसफर हुआ, ये आइदर इट इंटीग्रेट्स विद द रेसिपिएंट, नहीं तो ये क्या करेगा? जितना हुआ है हो सकता है इसके अंदर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा. इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा. दिस न्यू जीन इंटीग्रेट्स, दिस न्यू जीन इंटीग्रेट्स. ठीक है. न्यू जीन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा. सो इट फॉर्म्स अ इनकम्प्लीट डिप्लॉयड जायगोट. और इसको, इस तरह के जायगोट को क्या कहते हैं? मेरो जायगोट. मेरो, इस तरह के जायगोट को क्या कहेंगे? मेरो जायगोट. इट फॉर्म्स अ इनकम्प्लीट डिप्लॉयड जायगोट. ये एक तरीका है जिसको कहते हैं एपिसोम फॉर्मेशन, और यू कैन से फर्टाइल मेल मेथड. फर्टाइल मेल मेथड, दिस इज अनदर, दिस इज स्टराइल मेल मेथड एंड दिस इज फर्टाइल मेल मेथड. ठीक है. और एपिसोम फॉर्मेशन, इन एपिसोम फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं यहां पे पहले प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अटैच हुआ, फिर ये रेसिपिएंट सेल के अंदर एपिसोम रेप्लिकेट हुआ. जब सेल्फ रेप्लिकेशन हुआ तो कुछ जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर गया? रेसिपिएंट के अंदर. पूरा का पूरा नहीं जाएगा क्योंकि एपिसोम इज टू लॉन्ग, इट इज टू लॉन्ग. एंड उस पूरा का पूरा मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए कंजुगेटिंग ट्यूब को बहुत देर तक मेंटेन करना पड़ेगा.
सो इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि एक जीन 7 मिनट में ट्रांसफर होता है, दो जीन 9 मिनट में और 3 जीन 10 मिनट में, इस तरीके से ट्रांसफर होता है. ठीक है, सो क्या हो जाएगा, जो न्यू जीन विच एंटर्स, एदर इट विल इंटीग्रेट विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द रेसिपिएंट सेल और इट विल रिप्लेस द बैक्टीरियल क्रोमोसोम. नाउ द अदर वे इज, इन सम बैक्टीरियल सेल व्हाट हैपेंस, दिस इन सम बैक्टीरियल सेल इफ यू सी दिस एपिसोम, व्हेन इट इज दिस एपिसोम or the plasmid which is attached to the bacterial cell, sometimes this gets detached from this bacterial cell. Kabhi kabhi kya hota hai, in some of the bacterial cell the plasmid which is attached to the bacterial chromosome it gets detached. जब ये डिटैच होगा, यहां से सपोज डिटैच हुआ, तो इट विल नॉट बी एक्यूरेट डिटैचमेंट, है ना. जब ये डिटैच होगा, सो व्हाट विल इट कंटेन, इट कंटेन्स सम ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यहां से कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम लेगा. ठीक है, तो कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम लेगा एंड इट फॉर्म्स अ न्यू प्लाज्मिड. ठीक है, सो in some of the bacteria when the plasmid is attached to the bacterial chromosome it gets detached to form a new plasmid. जब ये detach होगा bacterial chromosome से तो क्या होगा, जब ये detach होगा तो some of the bacterial chromosome will be attached to the plasmid. पूरा का पूरा अलग नहीं होगा, थोड़ा सा बैक्टीरियल क्रोमोसोम इसके साथ अटैच रह जाएगा. अगर हम यहां से निकालते हैं तो अगर आप देखते हैं, अगर यहां से ये अलग होता है, ये अलग हो जाएगा यहां से, तो ये क्या बनाएगा, थोड़ा सा बैक्टीरियल क्रोमोसोम रहेगा और ऊपर का प्लाज्मिड रहेगा, मतलब थोड़ा बैक्टीरियल क्रोमोसोम इसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बनाएगा, न्यू प्लाज्मिड. तो न्यू प्लाज्मिड जो बना है इसके अंदर क्या है, प्लाज्मिड है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम है. आप देख सकते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम है और न्यू प्लाज्मिड है और इसका अपना बैक्टीरियल क्रोमोसोम तो है ही. ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ बैक्टीरियल सेल इट इज नोन एज प्राइम सेल, दिस इज नोन एज एफ प्राइम सेल. इसको क्या कहते हैं, प्राइम सेल. दिस काइंड ऑफ सेल इट इज नोन एज प्राइम सेल. अब ये जो प्राइम सेल है, अगर ये किसी रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाएगा, ये जो न्यू प्लाज्मिड है जिसके अंदर प्लाज्मिड भी है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी है, ये पूरा का पूरा ट्रांसफर होके किसमें चला जाएगा, रेसिपिएंट के अंदर. नाउ जो नया वाला सेल बनेगा उसके अंदर ये वाला बैक्टीरियल क्रोमोसोम रहेगा, प्लाज्मिड रहेगा और ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, जो रेसिपिएंट सेल का बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, सो दिस न्यू प्लाज्मिड दैट प्राइम सेल व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द रेसिपिएंट सेल तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा उस रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफर होगा. जो रेसिपिएंट सेल के अंदर ट्रांसफर होगा उसके अंदर क्या क्या होगा, ये प्लाज्मिड होगा, इसका बैक्टीरियल डोनर का बैक्टीरियल क्रोमोसोम होगा प्लस रेसिपिएंट क्रोमोसोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा. नाउ व्हाट इज एपिसोम, व्हाट इज द फंक्शन एपिसोम, इट हेल्प्स द बैक्टीरिया टू रेजिस्ट अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, है ना. लेकिन हमारे लिए मुसीबत है, कोई एंटीबायोटिक का हम नहीं करेगा. सो दिस एपिसोम इट हेल्प्स द बैक्टीरिया टू रेजिस्ट अगेंस्ट द एंटीबायोटिक. सो दिस इज ऑल अबाउट कंजुगेशन इन बैक्टीरिया. सो चिल्ड्रन प्लीज शेयर माई वीडियोज, शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.